नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की थाना सिविल लाइन पुलिस ने पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू। लूट की 63,000 रुपयों की नकदी की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने बड़े हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश। तीन आरोपियों को हेरोइन तथा लाखों रुपयों की नकदी सहित किया काबू। अमृतसर के थाना मजीठा रोड की पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को किया काबू। तेज धार हथियार, एक्टिवा और दो मोटरसाइकिल किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने पिस्तौल की नोक पर पैसों वाला बैग लूटने वाले दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह लगभग 6,72,000 रुपयों की कलेक्शन कर कंपनी बाग की दीवार के साथ पैदल जा रहा था। इस दौरान तीन नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, जिन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे। जिनमें से एक लड़का मोटरसाइकिल स्टार्ट कर उस पर बैठा रहा, जबकि दूसरे दो लड़कों ने उसके साथ मारपीट कर पिस्तौल की नोक पर पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। जिसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए हर एंगल से जांच कर आरोपी राहुल शर्मा उर्फ नैन्सी पवन नगर बटाला रोड अमृतसर को गिरफ्तार कर उसके पास से 28,000 रुपयों की नकदी और दोषी सनी मेहरा उर्फ सनी निवासी अमृतसर को गिरफ्तार कर उसके पास से 35,000 रुपयों की नकदी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सुरेंद्र कुमार बबलू ना का एक मुंडा सीगा, जिहड़ा अपने नरेश शॉपिंग कॉम्पलैक्स इलैक्ट्रॉनिक्स का समान जिहड़ा सीगा वो लैके बटाले जांदा सीगा, ते बटाला गुरदासपुर पठानकोट ते वापसी ते उत्थे कलैक्शन करके आंदा सीगा। इहदे विच बड़ी इंट्रस्टिंग गल है कि इहदे विच जिहड़ा असीं मेन जिहदे विच राहुल मुंडा फड़िया हैगा ते उसे ही दुकान ते काम करदा सीगा, तो उहदी जगह काम करदा सीगा ते उहनूं इह सारा भेज सीगा, इह बंदा जांदा इन्ने वजे जिहड़ा हैगा इह पैसे लै के वापस आउंदा। तो इन्हें 10-15 दिन तो इन्हों की रैकी करवानी शुरू करती अपने बाकी साथियों के नाल मिलकर, और इन्होंने रैकी की कि यदि एक पर्टिकुलर बस सी जिस वास्ते शाम को कलैक्शन करके डेली आता सगा, और इन्हू भी चीज़ का पता सगा कि शनि एतवार को जोड़ा है नहीं ज़्यादा, इस करके मंडे में इन्हों की ये को कलैक्शन जी है ज़्यादा होंगी है। सो मंडे में ही इन्होंने टारगेट किया जो आ रहा है, तो इन्हों का बैक हो के जोड़े है तीन जने जे मोटरसाइकिल से लैके भज गए थे, जिन्होंने असी दो बंदे जोड़े है ने एक सनी जोड़ा है मेहरा जिहड़ा ते दूसरा जिहड़ा हैगा अपना राहुल जिहड़ा हैगा, दोनों नूं जिहड़ा हैगा गिरफ्तार कर लिया, और इन्हां दे कोलों जिहड़ी हैगी है बरामद असीं 128,000 रुपया और 135,000 रुपया जिहड़ा हैगा रिकवरी कर लिया। टोटल लुक जिहड़ी लुट जिहड़ी सीगी इहनां कोल 4,00,000-4,50,000 रुपये की रखाई सी, बाकी एक दो दोषी इन्हां कोल फड़न वाले आ, बाकी दी रकम जिहड़ी आ उहनां कोल आ, जिहड़ी वंड दी रकम इहनां दे हिस्से आई सीगी उह इहनां दी रिकवर। अमृतसर देहात के थाना घरिंडा की पुलिस ने एक महीने के अंदर दूसरे हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी देहात हरिंदर सिंह ने बताया कि थाना घरिंडा की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी को काबू किया है, जिसकी पहचान रोशन सिंह उर्फ रोशी निवासी गाँव रोड़ावाला थाना घरिंडा जिला अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 500 ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी ये हेरोइन गुरजीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव चीचा थाना घरिंडा से लेकर आया है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा गुरजीत सिंह उर्फ गोपी को 500 ग्राम हेरोइन और 50,000 रुपयों की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब गुरजीत सिंह से पूछताछ की गई तो बड़े पैमाने पर चल रहे हवाला रैकेट का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमन कुमार को 45,37,920 रुपयों की ड्रग मनी और एक एक्टिवा सहित काबू किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਚੀਚੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਬਣੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਟੋਕਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੋਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 47,37,920 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਗਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੈਗੀ। अमृतसर के थाना मजीठा रोड पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 3,000 हथियार और एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी आरोपी 3,000 हथियारों के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के दौरान आरोपियों के पास से चोरी के 2 और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुकदमा नंबर 14 के संबंध में कर रहे हैं। ये 26 तरीक नूं रात नूं 1 बजे सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि कोई अपने जिहड़े मदई हैगे ने मुकदमा दे ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਇੰਜਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਹਾਟਵਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਦਾਤਰ ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ 379B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ। ਦੇਖੋ, 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ, 1 ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, 3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਹੈ। पंजाब में साइबर ठगों द्वारा ठगी के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला होशियारपुर में सामने आया है, जहां होशियारपुर के सेंट्रल टाउन के रहने वाले जसविंदर सिंह की एक गाड़ी जो कि उसके घर में ही खड़ी थी, लेकिन लाडोवाल टोल प्लाजा पर जसविंदर सिंह के फास्ट टैग के 215 रुपये कट गए। इस मौके पर जसविंदर सिंह ने बताया कि साईं 6 बजे उसे एक मैसेज आया जिसमें उसके फास्ट टैग में से 215 रुपए कट गए, जिसे देखकर उसे हैरानी हुई। उसका कहना था कि उसकी गाड़ी तो घर में खड़ी है, तो फिर उसके पैसे कैसे कट गए। इस संबंधी पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसविंदर सिंह ने कहा कि ऐसी ठगी उसके साथ पहली बार हुई है। इस संबंध में वे SSP होशियारपुर को एक शिकायत भी देंगे। उन्हें डर है कि कहीं कोई उनकी गाड़ी का जाली नंबर लगाकर गाड़ी ना चला रहा हो, इसलिए उन्होंने पुलिस से इसकी जांच की मांग भी की है। ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 215 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ 215 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਮੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੋਂ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
गत माह ही सुल्तानपुर लोधी के एक गांव में आवारा कुत्तों की एक झुंड ने दो महिलाओं और एक बच्चे को अपना शिकार बनाया, जिसमें एक महिला और बच्चे को नोच नोच कर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिला कपूरथला प्रशासनिक तंत्र आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने और आवारा कुत्तों को शहर, गांव और गली मोहल्ले से पकड़ने की अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं, शायद फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आवारा कुत्तों की दहशत को लेकर कपूरथला के थाना सिटी के सामने मोहल्ला सदाक अली में रहने वाली महिलाओं में आवारा कुत्तों की दहशत देखी जा सकती है। गली मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग और स्कूली बच्चे आवारा कुत्तों के आतंक का शिकार हो चुके हैं। आवारा कुत्तों की रोकथाम और उन्हें पकड़ने के लिए मोहल्ला और क्षेत्र के लोग नगर निगम कपूरथला कमिश्नर अनुपम कलेर को लिखती शिकायत दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम कपूरथला ने आवारा कुत्तों की समस्या का कोई हल नहीं किया, जिसके बाद आवारा कुत्तों की दहशत को लेकर मोहल्ला सदाक अली की महिलाओं ने मीडिया के समक्ष अपनी गुहार लगाई। ਅਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। अमृतसर के थाना ए डिवीजन की पुलिस ने अगवा हुए लड़के को 24 घंटों में ट्रेस कर आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक रामबाग निवासी प्रभजोत सिंह ने थाना ए डिवीजन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका बड़ा लड़का, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वह उसे बोलने में भी काफी परेशानी होती है। वह 25 फरवरी को लापता हो गया था, जिसकी काफी तलाश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसके बाद थाना ए डिवीजन ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर मामले को ट्रेस कर लड़के को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रमेश सिंह निवासी गांव कोटली डाबड़ा अमृतसर के तौर पर हुई है और लड़के को परिवार के हवाले कर दिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम वीरजी प्रभजोत सिंह है, मेरा बेटा नवनीत सिंह, मेरे नाल रेड़ी ते जांदा सीगा, रोज उत्थे खेड़दा खुड़दा सी, थोड़ा दिमागों स्ट्रोंग नहीं, अपसेट आ। तो इनू कोई जी रात को संडे दे रात को 25 तरीक नू इनू कोई चुके लै गया उतों 9 बजे रात को। तो वह बंदे बरामद हो गए आ, पंजाब पुलिस ने फड़िया उन्हां नू गुरदासपुर के लागों। तो असी जी पंजाब पुलिस के बहुत धन्यवादी हाँ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸੂਰਜਨ ਦਾ ਸਿਲਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। गुरुद्वारा डेरा संतगढ़ कपूरथला रोड चालंधर के नए दरबार हाल की इमारत के उद्घाटन के शुभ अवसर पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस नगर कीर्तन में फौजी बैंड और गतका पार्टियों ने अपने कला के जौहर दिखाए। इस मौके पर संत बाबा भगवान सिंह जी हरखोवालिया, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह, श्री केशगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी सुल्तान सिंह, श्री दमदमा साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहिब ज्ञानी फूला सिंह, पूर्व हेड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मुखविंदर सिंह, भाई हरमीत सिंह, वीर दमनजीत सिंह, संत सुखवंत सिंह, संत जसविंदर सिंह, संत स्वामी शांतानंद जी, संत बाबा मनमोहन सिंह बंगाली, संत बलवंत सिंह, संत अनहद राज सिंह, संत बाबा हरभजन सिंह, जथेदार गुरमीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस नगर कीर्तन में भाग लिया और नए बने दरबार हाल की इमारत का शुभारंभ किया।
इस दौरान संगतों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर लंगर लगाकर व स्वागती मंच लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर संत बाबा भगवान सिंह जी हरखुवालिया द्वारा आए हुए संत महापुरुषों को सिरोपा साहिब देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिर तो ही आप सारे गुरु चरणों से जुड़ बैठे हो, नगर कीर्तन दे विच आप सब ने हाजिरी लवाई है और कीर्तन कथा विचारा महापुरुषों पासो श्रवण कीतियां, वक वक महापुरुष आ करके महापुरुषों को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि एहो जे कारज जिस ते सतगुरु पातशाह त्रुटदा है कृपा करदा है उही कर सकदा है, ये अपने करियां या अपनी चित चितवनी दे नाल नहीं हो सकदा। गुरु पातशाह दी अथाह रहमत है महापुरशां ते जिन्हां ए सेवा गुरु पातशाह दे चरणां दी कीती है। मेरे नाल सत्कारयोग महापुरश संत बाबा हरिंदर सिंह जी, चाह वाले महापुरश सत्कारयोग श्रीमान महंत प्यारा सिंह जी महाराज, मुखिया महंत पंचायती अखाड़ा निर्मल, बरनाले वाले महापुरुष ते होर बेंत महापुरुष सारे नाल आए हैं। परम पूजनीक निर्मल भेख भूषण श्री मंत साहब जी, उन्होंने इस कार्यक्रम दे विच इस समागम दे विच आना सी ते वो आ भी रहे हैं, पर संत करतार सिंह जी महाराज साढ़े वेरका तो संत उन्होंने अज 17वीं के प्रोग्राम के अमृतसर गए हुए से, कुछ समय तक वह भी पहुँचे, सो उन्होंने वालों भी हाजिरी है। होर बेअंत महापुरुष सत्कारयोग निर्मल भेख के महान विद्वान सत्कारयोग महंत बाबा तेजा सिंह जी महाराज गुरुसर खुडे वाले, वह भी संगत में हाजिरी लवा रहे हैं। होर बेअंत महापुरुष सारिया के नाम आपने स्टेज तो सरवण किए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन हजीर जी विखे उपस्थित विद्वत संत समाज समूह निर्मल भेद संत समान मंडलेश्वर महामंडलेश्वर रंग, मैं सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के निमित्त जो गुरु नानक हाल नवा निर्मित जो है महापुरुषा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के वास्ते जिन्हों आप लग लग बधाई होवे, सारे साथ संगत आप नूं ते महापुरशां नूं भी संत बाबा भगवान सिंह जी आप जी पूरी टीम नूं जो है लग लग बधाई। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वास्ते नया एक भवन निर्माण किया है, लग लग बधाई होवे। अज बहुत ही सुहावना ते आनंदमयी दिन है। अज दे दिन इस संतगढ़ डेरे हरखवाल दे महापुरशां दे स्थान ते संतगढ़ जलंधर विखे बहुत ही सत्कारयोग निर्मल भेख के महापुरश संत बाबा भगवान सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाश स्थान को बहुत ही वधिया सुंदर तरीके नाल तमीर कराया और अज उस विच सतगुरु जी का प्रकाश करने लई समूह इलाके दियां दूर दरेडे दियां संगतां और निर्मल भेख के महापुरश अन्य भेखां के महापुरश इस महान समागम विच आए और उन्होंने सबना ने उस स्थान दे विच प्रवेश करके नाल ही संत भगवान सिंह महाराज नूं बहुत बहुत बधाइयां दित्तियां। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संबंध विच बहुत ही सुंदर जिहड़े कीर्तन कथा विचारां होईयां जिन्हां विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे ग्रंथी साहब और अरदासी जिन्हां ने अरदास कीती और इस संपूर्ण कार्य की जिहड़ी समाप्ति हुई। अज दे दिन ही साढ़े निर्मल भेख दे श्रीमान 108 ब्रह्म बेता ब्रह्मचर्य निर्मल पीठाधीश श्रीमंत साहिब महाराज जी भी इस समागम में आए। बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा प्यारा सिंह जी मुखी महंत निर्मल पंचायती खाड़ा उन्होंने भी शिरकत किया और इलाके दे जलंधर हुशियारपुर दुआबा माझा मालवा बहुत सारे महापुरुष इस
महान समागम समागम एकत्रित होए। उद्घाटन किया सारे महापुरुषों ने दर्शन दिए, बहुत महान कृपा, बड़े महापुरुषों की कृपा के नाल, साध संगत की कृपा के नाल जो भी कार्य हुए संगत के सिर ते होया, संगत इसी तरह साथ दिंदी रहे ते महाराज इस तरह बाबा जी सेवा करते रहन, संगत खुशियां प्राप्त करते रहन, बहुत खुशी खुशी गाना छोटो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जालंधर के रमन शिव मंदिर में मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा मंगलवार की शाम को मासिक माता की चौकी का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें कृष्ण गोपाल मैपी एंड पार्टी द्वारा भगवती महामाई और ठाकुर जी का गुणगान किया गया। इस अवसर पर लुधियाना से मोनू शर्मा, विकी अरोड़ा, अमित शर्मा ने सत्संग के माध्यम से आए हुए भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के अमित शर्मा, ललित शर्मा, संजू सहगल, संतोष बंटी, दीपक अरोड़ा, प्रवीण मल्होत्रा ने आई हुई भजन पार्टियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्त्री सभा की तरफ से मंजू, कोमल, मधु, ज्योति, वीना, कांता, रक्षा, हरीश, महमी सहित इलाकावासियों ने भी अपना विशेष योगदान दिया, जिसके पश्चात सदस्यों की तरफ से संयुक्त रूप से प्रभु की आरती की गई। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भक्तों में वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माँ भगवती के पवित्र पावन दरबार के अज की चौंकी जिड़ी कि रमन शिव मंदिर वालों हर मंगलवार महीने का आखिरी मंगलवार हों सारे बहुत अच्छे ढंग के नाल भगवती माँ को प्रसन्न करते हैं। अज की यह चौंकी मेरे छोटे वीर श्री कृष्ण गोपाल मैपी जी और उन्होंने दोनों बेटे अज भगवती माँ का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने रमन शिव मंदिर वालों हार्दिक धन्यवाद है। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त अपनी हाजिरी लगाकर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इंद्रदेव बबलू पंडित ने कहा कि नकारात्मक सोच हमेशा दुखी ही करती है, जबकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेता है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता, प्रीति, कोमल, सोनिया, रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, संजय शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, सुमित, बिनी, ज्योतिषाचार्य गौरव, गग्गू, साहिल, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नमस्कार, जय माता दी। तो मैं अभी श्री कालिका धाम में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। लोगों को बहुत सारी दुख तकलीफें हैं, जो कई सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, जलंधर किशनपुरा में श्री कालिका धाम। हमारे साथ यहाँ पे आचार्य बबलू पंडित जी हैं, जो हमारी हर समस्या का समाधान निकालते हैं और यहाँ पे हर किसी की मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं भी यहाँ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे यही कहूँगी कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स का कहीं से सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, एक बार यहाँ पे ज़रूर आए, माता रानी का आशीर्वाद लें और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। सर, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र विशिष्ट कालिका धाम ज्योतिष से। कालिका धाम ज्योतिष में दुख निवारण चंडी महायज्ञ हर शनिवार को शाम को 5 बजे प्रारंभ होता है, 7-8 बजे तक चलता है। इसमें बहुत सारे भक्त सज्जन बड़े दूर दूर से आकर के महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ के आशीर्वाद से और उनकी निष्ठा के चलते बहुत सारे लोगों का कार्य भी सफल होता है। तो 3 वर्ष से ज़्यादा 3.5 वर्ष लगभग होने लग पड़े हर शनिवार को जो यज्ञ होता है माँ चंडी का, माँ कालिका धाम में। इसमें बहुत सारे प्रयोग, मंत्र जाप, उपाय सब करवाए जाते हैं और सब कुछ निःशुल्क चलता है।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चौथे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथावाचकों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित मनमोहक लीलाओं को बताकर भक्तों को भाव विभोर किया। इस दौरान कंटेनर एंड वेयर हाउस की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थ्याड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि आप नेता आत्म प्रकाश सिंह बबलू ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि प्रसाद की सेवा हैप्पी कट पीस वालों की तरफ से की गई। तो वहीं कथावाचकों ने कथा के बीच संकीर्तन के माध्यम से भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस कथा ज्ञान यज्ञ में चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, बंटी, अरुण कुमार बॉबी, विकी जिंदल, मनु जिंदल, दीपिका जिंदल, वनीता गोयल, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभुदयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजनों ने अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हुआ है वह सरकार नहीं, जो जगत में फंसा
जैसे हमारे मंदिर प्रांगण में जगह है, कम पड़ गई आज पूरे कैंप के सभी भक्तगण उमड़ के आए कथा में। बड़ा ही आनंद आया, कल भी ऐसे ही आनंद आएगा। कल छप्पन भोग है और कल गोवर्धन पूजा का समय है, कल भी सभी ऐसे ही बता रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जो कि आज साढ़े गुरु जी ने कृष्ण भगवान जी की जो कि कथा सुनाई, वो कृष्ण भगवान जी ने अज इतने कैंप के जन्म लिया, सारे आशीर्वाद मिलया, सारे लोग खुश है और गुरु जी के आशीर्वाद के नाल बहुत ज़्यादा जो आनंद आया है। इन्ने दिन का भी आ रहा है पर अभी बहुत ज़्यादा सारे साढ़े भैन भरा साढ़िया भैया सारे खुश हुए हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर की थाना सिविल लाइन पुलिस ने पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू, लूट की 63,000 रुपयों की नकदी की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने बड़े हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश, तीन आरोपियों को हेरोइन तथा लाखों रुपयों की नकदी सहित किया काबू। अमृतसर के थाना मजीठा रोड की पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, तेज धार हथियार, एक्टिवा और दो मोटरसाइकिल किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।